नमस्कार दोस्तों, स्टिचिंग एंड टेक्निकल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में कॉलर की कटिंग और पेस्टिंग करने का सबसे आसान तरीका आप इस वीडियो में देख सकते हैं। चले कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि 15 इंच कॉलर के लिए हमें पेस्टिंग कितना लेना पड़ेगा। तो यहाँ 15 इंच हो गया प्लस 3 इंच करेंगे इसमें। यहाँ पे हम चौड़ाई लेंगे इसका 10 सेंटीमीटर। उसके बाद हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हम नीचे एक मार्किंग करेंगे 1 इंच 5 सूत पे। इस तरीके से हम 1 इंच 5 सूत पे 2 मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद उसको सीधा हम मार्किंग कर लेंगे ऐसे। अब हमें देखना है दोस्तों यहाँ पे कि हमें कॉलर कितना बनाना है। तो जैसे 15 इंच बनाना है तो हम 7.5 इंच पे एक मार्किंग ऐसे करेंगे। इस तरीके से हम मार्किंग कर लिए 7.5 पे। उसके बाद उस मार्किंग को सीधा कर लेंगे। उसके बाद इस लाइन से हम 1/2 इंच पे एक मार्किंग करेंगे जिस पे हमें शेप देना होता है। तो इस तरीके से हम 1/2 इंच पे एक मार्किंग कर लिए। उसके बाद यहाँ हम शेप कैसे देंगे आप इस वीडियो में अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ हम राउंड स्केल जो होता है ऐसे बैठाएंगे। इस तरीके से हम राउंड स्केल को अच्छे से बैठा लेंगे, फिर उसको हम मार्किंग कर लेंगे ऐसे। बैंड पट्टी का ठोका हम प्लेकेट यानी कि काज पट्टी के हिसाब से बनाते हैं। तो आपको जितना काज पट्टी है उसके हाफ कर लीजिए। हाफ करने के बाद उसमें 1 सूत प्लस कर लीजिए और उसके बाद इस तरीके से मार्किंग करके फिर ऐसे क्रॉस एक मार्किंग कर लीजिए। बैंड पट्टी का चौड़ाई हम रखेंगे 1 इंच में 1 सूत कम, आप 1 इंच तक रख सकते हैं। उसके बाद बैंड में हम शेप कैसे देंगे तो इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे एक मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद 1 इंच हम आगे बढ़ा देंगे मार्किंग को ऐसे। अब यहाँ पे हम शेप देंगे बैंड पट्टी का, तो बैंड पट्टी की चौड़ाई भी हम रखेंगे 1/4 इंच। उसके बाद राउंड स्केल जो होता है तो इस तरीके से हम शेप देंगे। ऐसे शेप देते हुए हम मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद राउंड शेप लगाएंगे ऐसे। बाहर वाले हिस्सा को हम ऐसे बैठाएंगे स्केल को। यहाँ भी हम मार्क कर लिए। यहाँ पे आप राउंड चाहे तो राउंड बना सकते हैं ठोका, चाहे तो चौकोर बना सकते हैं। अब यहाँ पे कलर पॉइंट जो होता है, कलर नुक पॉइंट, उसको हम 2 सूत प्लस करेंगे जो हम पहले मार्किंग किए हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा हम शेप देंगे बैंड पट्टी के पास तक। इस तरीके से यहाँ भी हम सीधा मार्किंग कर लेते हैं। उसके बाद हम कॉलर का पॉइंट देख लेते हैं। तो कॉलर पॉइंट हम बनाएंगे दोस्तों 2.5 इंच। तो 2.5 इंच पे हम एक ऐसे मार्किंग कर लेते हैं। उसके बाद कॉलर की जो चौड़ाई है 1 इंच 5 सूत पे हम मार्किंग करेंगे। एक यहाँ भी 1 इंच 5 सूत पे मार्किंग कर लेते हैं। उसके बाद हम सीधा एक मार्किंग करेंगे ऐसे। यहाँ पे हमें शेप देने के लिए राउंड स्केल हम इस तरीके से बैठाएंगे। उसके बाद मार्किंग करते समय स्केल को हम थोड़ा थोड़ा घुमाएंगे ऐसे और उस मार्किंग से मिला लेंगे। अब हम कटिंग कर लेते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर भी कर दें प्लीज़। हमारे इस चैनल पे पैंट शर्ट, डिजाइनिंग का ब्लाउज, कुर्ता, बच्चों की आइटम, कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाए जाते हैं फार्मूले के साथ। तो यहाँ पे हम बैंड पट्टी को भी इस तरीके से गो राउंड शेप कर लेते हैं। यहाँ नीचे भी हम इसी तरीके से मार्किंग पे बिल्कुल कटिंग कर लेंगे। आप यहां देख सकते हैं दोस्तों कॉलर का शेप कितना अच्छा आया। अब यहां पे हम एक चीज़ और बता देते हैं कि यहां पे हम बोन लगाएंगे। बोन लगाने से हमें ये फायदा होता है कि कॉलर अच्छा से बैठ जाता है।
और कॉलर पॉइंट जो है हमेशा टाइट रहता है। तो इस तरीके से हम यहाँ भी राउंड कर लेंगे। अब दोस्तों हम कॉलर को पेस्टिंग करके दिखा देते हैं कि पेस्टिंग कैसे की जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से शेप आया है, तो शेप ऐसे होना चाहिए, इसमें पॉइंट नहीं होना चाहिए। चलें अब हम कॉलर को पेस्टिंग कर लेते हैं। तो पेस्टिंग करने से पहले दोस्तों हम फैब्रिक जो होता है उसको पहले हम प्रेस से बैठाते हैं। इसलिए बैठाते हैं कि बहुत सारे फैब्रिक होते हैं जो प्रेस करने पे सिकुड़ने लगता है। देखिए ये भी फैब्रिक वैसा ही है कि प्रेस करने पे सिकुड़ रहा है। तो अगर हम पेस्टिंग डायरेक्ट लगाएंगे तो आप की कॉलर जो है सही से नहीं बैठ पाएगा, कॉलर में फुलनेस आने लगेगी। अब यहाँ पे इस तरीके से हम फैब्रिक पे बैठा लेंगे पेस्टिंग को। ऊपर हम कम से कम 2 सूत 3 सूत मार्जिन छोड़ देंगे जिसपे हमें सिलाई लगाना होता है पलटने के लिए कॉलर। और यहाँ पे हम अच्छे से पेस्टिंग को चिपका लेंगे। उसके बाद बोन जो हम चिपकाएंगे तो साइड से और ऊपर से कम 1 पौना सूत माइनस में पैच करेंगे। उससे में फ़ायदा क्या होती है कि सिलाई लगाते समय लब्ज होता है वहाँ पे मोटा नहीं होता है। तो इस तरीके से हम कॉलर को पेस्टिंग कर लिए। अब यहाँ पे डिस्टेंस हमें देखना होता है दोस्तों कि हम यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस नहीं देंगे, इसलिए कि हमें यहाँ फैब्रिक कटिंग नहीं करना होता है। एक ही कटिंग हम करेंगे कॉलर के जड़ से, और जो मार्जिन बचेगा बैंड पट्टी में उसी बैंड पट्टी से हम बैंड को अटैच कर लेंगे कॉलर से। तो इस तरीके से हम बैंड को पेस्टिंग कर लिए। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों पेस्टिंग करने का और कलर बनाने का। कलर की कटिंग पूरा हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर भी कर दें प्लीज़। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।